लोकसभा चुनाव में करारी हार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक अजय सिंह ने संगठन के काम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यकाल की उच्च स्तर पर समीक्षा किए जाने की भी मांग की है। अजय सिंह ने कहा कि आखिर जीतू पटवारी के कार्यकाल में बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन क्यों थामा। वहीं पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा रहे नेता कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। जीतू पटवारी के नेतृत्व में 4.5 लाख कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर गए और तो और उनके गृह जिले इंदौर से कांग्रेस के नेता ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। देखिए, संगठन के बारे में जिनको बहुत कम समय का काम करने का मौका मिला उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाई कमांड कुछ समय बाद समीक्षा करे और यहाँ पर किस रणनीति के तहत आगे चलना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगला चुनाव जब भी होगा उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और ये 29-0 वाला मामला खत्म किया जाए। अजय सिंह के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि कांग्रेस गिरोह में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है और कबीलों में बटी हुई है और हर एक कबीले का एक सरदार है। देखिए, हम तो पहले से ही कहते थे कांग्रेस दलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है और हर कबीले का एक सरदार है। उसमें से एक अजय सिंह राहुल भैया भी हैं जो अपनी ही पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से इस चुनाव में यह देखने में आया कि जीतू पटवारी जी सबसे असफल नेताओं के रूप में, असफल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं, 29 की 29 सीटें कांग्रेस को गंवानी पड़ी। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 4.5 लाख कार्यकर्ता पार्टी छोड़ गए और जीतू पटवारी जी के ही नेतृत्व में उनके गृह जिले से जो सांसद के पद के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। अजय सिंह राहुल भैया उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि असफलता अगर किसी की क्या मानी जाए तो वो जीतू पटवारी जी की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।